अस्सलाम वालेकुम, सब खैर खरीत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो माशाल्लाह आज हम एक मुर्गा लेके आए हैं, तो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैंने कि भाइयों को दिखा दूं कि एक ही मादी रह चुकी है, जिस भाई को चाहिए मिल जाएगी। दूसरे पांच मादा एक मेरे लिए सेल हो चुके हैं, एक मादा रह गया, नोक खोल के सर वाइट कर चुकी है, पीछे सच्ची खासी वाइट हो चुकी है, ठीक है। तो जिस भाई को ये मादा चाहिए, ये भाई को मादा मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं छत पर, अपना तितरों वगैरह को देख ले, तोतों वगैरह को, उसके बाद नीचे जाके आप भाइयों को मुर्गा दिखाते हैं। तो सरप्राइज़ है भाइयों के लिए। तो आप भाई लाजिम बताना है कि मुर्गा आपको किस तरह लगे। तो ये अंदर हम आ चुके हैं। तो माशाल्लाह तितर वगैरह पड़े हुए हैं, सारे सेटी हैं, बस यही मार रह गए जो वाइट थे, वो सारे सेल हो चुके हैं। ये रानी कुछ रह गया, वाइट और थे तब भी आ जाएंगे। तो उसके बाद ये माशाल्लाह फिंच दाना खा रही हैं, देखते हैं क्या किया कारनामा इनके। मुझे बस बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक है देखने का, मगर बच्चों नाम ही नहीं ले रही है फिंच। तो ये देखें, हमें देख के सारी भागने लग गई माशाल्लाह। देखें अब तीन मेल एक फीमेल ऊपर बैठी है, ये भी फीमेल है, वो मेल है। इस साइड से ये देखो, अब सारे इधर इकट्ठी हो जाएंगे, देखना फिर आप भैया को दिखाते हैं। ये सारी साइड पे इकट्ठी हो गई। तोते वगैरह भी आप भैया को देख दिखाते हैं, देखते हैं इन्होंने कोई बच्चे वगैरह दिए हैं इन्होंने दिए। उम्मीद तो नहीं है इतनी जल्दी दे दें, खाली है। ये पेड़ भी अंडे नहीं दे रहा, इसमें पहले तो आप भाइयों ने देखा होगा कि बच्चे निकाले थे, पता नहीं आप अंडे बिल्कुल नहीं दे रहा। बच्चों तो दूर की बात है, चलो अंडे दे दें, बच्चे फिर देखते रहेंगे, मगर बच्चे अभी आने को ये नाम ही नहीं दे रहे। वो फीमेल है माशाल्लाह, ये मेल है, ये देखो वो दोनों पेड़ चले गए हैं। वो पेड़ है और एक पेड़ ये है, दोनों में से कोई भी अंडे वगैरह बिल्कुल नहीं दे रहा। तो माशाल्लाह ये तितर है, ये पेड़ है वाइट नोट में, मतलब बच्चे वाइट के हैं, वाइट हुए नहीं हैं, तो ये भी वाइट में आ जाते हैं, ये भी वाइट में, मगर ये वाइट हुआ नहीं है। मिलेंगे आपकी रानी के रेट में 7500 रुपये का जोड़ा मिल जाएगा बस। तो ये दोनों मादा हैं, ये सेल हो चुके हैं, ये लोड करवाने हैं शाम को पिंडी। तो वो एक बड़ा मेल है। तो अब चलते हैं हम अपने मुर्गों की तरफ, तो जल्दी से चलते हैं हम नीचे अपने बल्ब जा कर देखते हैं कि उन्होंने कुछ दाना पानी वगैरह खाया। तो और जो मुर्गा हम लेके आए हैं वो भी आप भाइयों को दिखाते हैं नीचे जाके। तो ये मैं आया हूँ, तो जल्दी से ये हमारे पास आ गई है कि हमें कुछ चीज़ वगैरह दाना वगैरह डालेंगी। तो जो ये हम पेयर करके लेके आए थे, ये दोनों फीमेल निकल आई हैं, ये भी फीमेल निकल आई है, ये भी माशाल्लाह टर्की भी हमारे आ गए हैं, देखें माशाल्लाह टर्की। जिन भाइयों को पता हो ये मेल है या फीमेल है, ये मेल है या फीमेल है, एक तो तेज़ कलर में एक डार्क कलर में, आप भाइयों ने मुझे ये लाजमी बताना है कि ये मेल है टर्की में पैरू में, या ये मेल है, दोनों में से कौन सा मेल है या कौन सी फीमेल है, या दोनों फीमेल है, दोनों मेल हैं, तो ये भाई ने बताना है, क्योंकि शक्लें इनकी बिल्कुल सेम है। जैसे देखें नीचे कलगी वगैरह इसकी भी और इसकी भी बिल्कुल सेम है। तो ये हमारे डक वगैरह रुकी हुई हैं पानी वगैरह के पास, ये जो बेबी है नीचे डक्स के वो भी, और जो हमारे बड़े डक्स हैं तो वो भी उसी ही साइड पे हैं। तो ये माशाल्लाह इधर आए हुए दाने के लिए, तो मेरी कोशिश है कि इनको पहले दाना डाल ले तो फिर आपको मुर्गा दिखाते हैं, क्योंकि ये फिर हमें तंग करेंगे वीडियोस में। तो मैं जल्दी से दाने लेके आता हूँ। तो ये हम दाने लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी इन्होंने दाना खा लिया, मगर बस इनकी आदत है हमें जो भी आए दाना डालें। देखें किस तरह आ गई, तो इनको सबसे पहले यहाँ दाना डाल देते हैं ताकि ये खा लें। तो ये दाना वगैरह खा ले, मैं अब आपको दिखाता हूँ मुर्गा, क्योंकि इन्होंने फिर हमें तंग करना, जल्दी से मैं मुर्गा आपको दिखाता हूँ।
माशाल्लाह। डक का बेबी शरीफ भी भागने को तैयार है कि हमें भी दाने खाने आए, मगर ये सब को तंग करते हैं डक। तो वो देखे दूसरा भी आ गया कि हमें जल्दी से दाने डालो। आपको तो भी दाने डालने नहीं है, टाइम ही नहीं हुआ। चलें क्योंकि ये सारे इकट्ठे खा लेते हैं। देखिए कोई वगैरह फाइट वगैरह नहीं लड़ रहे, मगर जैसे वो आते हैं सारे ये डर जाते हैं। तो इसके लिए इनको लैदा खिलाना पड़ता है, तो उनको लैदा खिलाना पड़ता है। तो अब हम अपना मुर्गा देखें क्योंकि दाने वगैरह तो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर लिया, फिर हमें तंग करेंगे। तो आप भाई ने बताना है आपको मुर्गा मेरा किस तरह लगे, तो मैं अभी आपको मुर्गा खोल के भी दिखाता हूँ क्योंकि अभी न्यू आया है, तो इस साइड पर निकल ना जाए, तो इसको मैं अंदर ही करना होगा। तो माशाल्लाह ये वाइट नोकली वाइट झड़ीदार नोक है, देखे दोनों साइड पे इसकी झड़ी है। वाइट आइस चोरस नली फट्टी वाली जितना हमें मालूम है। उसके बाद लंबी दुमे अभी कुरीज में, फिर भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दुम है, जेर दुम है, ज़मीन पे दुम लगती है। लंबाई वगैरह मुर्गा है। तो माशाल्लाह ये दरवाज़े के पास बार बार आ रहा है कि मुझे निकालो बाहर, मगर हम निकाल नहीं सकते। फिर भी आप भाइयों को कोशिश करते हैं दिखाने क्लियर से एक बार। देखें बस यहीं से आप भाइयों को नज़र आ पाएगा, और दिखा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, बीच ने मुझे मारा है। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह कल व्लॉग आएगा, बिल्कुल हमारे इंशाल्लाह डेली व्लॉग आए करेगा, उसके साथ साथ तित्रों का भी व्लॉग आए करेगा। जिन भाई ने तित्र लेने हो वो तित्र भी देख लिया करें, उनमें मैं तित्र भी दिखा दूँ करूँगा साथ, और साथ उसके ये अपना व्लॉग भी जारी रखेंगे। तो कुछ बार न्यू आ गए हैं तित्रों में, जिन भाइयों को भी तित्र चाहिए रब्ता कर सकते हैं। तो नंबर 031434347। तो ये देखें माशाल्लाह सारा ख़ानदान इकट्ठा हो चुका है।